नमस्कार सभी साथियों को। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि बहुत सारे मेल फीमेल कैंडिडेट जो आज करनाल में जो है सीएम खट्टर से मुलाकात करने के लिए आए थे और काफी दूर दूर से जो है कैंडिडेट आए हैं और आज जो है फाइनली दीपक चहल जी हमको बताएंगे कि अब क्या प्रोसेस है। उन्होंने जो है आगे जाके बात की है, कई एमएलए को भी जो है ज्ञापन दे के आए हैं। दीपक भाई, क्या रहा फिर आज? नमस्कार भाई। नमस्कार। आज हम यहाँ पे रैली में आए थे तो यहाँ पर सीएम से तो नहीं मिल पाए हम, लेकिन वहाँ पे दो एमएलए को हमने दिए हैं ज्ञापन। पहला तो वो कल्याण है, उनका नाम है रविंदर सिंह कल्याण, और दूसरा संजय सिंह भाटिया। अच्छा, रविंदर सिंह कल्याण और संजय सिंह भाटिया को ज्ञापन दिया है। इनको इन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कहा है कि हम पर्सनली जाके मिलेंगे और ज्ञापन भी दिया। इन्होंने कहा है कि हम सीएम तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिर भी दीपक चहल कह रहे हैं आज हम सीएम से मिलके जाएंगे। भाई बिल्कुल, आप सीधा जा रहे हैं दीपक भाई और हम ये सभी टीम, ये गर्ल्स भी आई हुई है बहुत दूर दूर से फीमेल कॉन्स्टेबल रिजल्ट को लेकर। आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अब जैसे कि हमको, हम वहाँ पे एसपी से मिले थे और वहाँ के डीसी से मिले थे। हाँ जी। उन्होंने फिर हमको ये बताया कि अभी सीएम का प्रोग्राम है जो वो पंचायत बोर्ड में है, तो हम वहाँ पे जाएंगे क्योंकि वो छोटा प्रोग्राम है, वहाँ पे हमारी बात सुनने सुनी जाएगी। भाई पंचायत भवन में जा रहे हैं, वहाँ पे जो है 100% जो है सीएम से मुलाकात हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर छोटा प्रोग्राम है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका था जिससे जो है सीएम की सिक्योरिटी रीजन के कारण मिलने नहीं दिया जा रहा। अब सभी जो है पंचायत भवन के लिए जा रहे हैं और वहाँ जल्द आपको अपडेट देंगे वहाँ पहुँच के। थैंक यू।